आप देख रहे हैं ICN News। अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप Instagram पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, ICN News में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनल व्यास। भारतीय सभ्यता और सनातन संस्कृति में अपनी अति महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बाबा रामदेव जी की आस्था में इच्छावर का भी उतना ही जुड़ाव है जितना कि धाम रामदेवरा में बुजुर्गों के माध्यम से बताया जाता है कि इच्छावर नगर के बीचों बीच लगभग सैकड़ों वर्षों पुराना बाबा रामदेव जी का प्राचीन स्थल शुक्ला जी के निवास के निकट है। नगर के प्रख्यात विद्वान पंडित आनंद मोहन शुक्ला जहां निरंतर बाबा की सेवा में तल्लीन रहते हैं, कई वर्षों से बाबा रामदेव जी में आस्था रखने वाले श्रद्धालुगण बाबा का आशीर्वाद लेने यहां पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज के दिन बाबा जी का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत दशमी के दिन यज्ञ अनुष्ठान, निशान आरोहण और भंडारे की परंपराओं का पालन भी किया जाता है। इस दौरान बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु विभिन्न जिलों एवं विभिन्न क्षेत्रों से इच्छावर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा का आह्वान, पूजन और अनुष्ठान करते हैं। विस्तार से देखिए ICN News। जो कार्यक्रम आज रखा गया है दशमी का, उस विषय में हम जानकारी चाहते हैं कि कितने वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और क्या महत्व है श्रद्धालु लोगों को इससे। ये इछावर के जब स्थापना हुई थी उस समय में विगत 1150 वर्ष पुराना प्राचीन स्थान है। यहाँ पे दूज के दिन बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है और दसवीं को उनका ध्वज अर्थात निशान चढ़ता है। उसी आयोजन में पूजन पाठ, सभी भंडारा सभी लोगों की उपस्थिति में आयोजन किया जाता है और बाबा रामदेव जी की कृपा से काफ़ी श्रद्धालुओं को उनके आशीर्वाद से लाभ प्राप्त होता है और उन्हीं की दया सदा सब पर बनी रहे, यही मेरा आशय है। और एक चीज़ और है कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनके संकट भी मिट चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ के लिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि लोगों की श्रद्धा जुड़ी रहे और लोगों के जो संकट हैं वो मिट जाएँ। उनका सदा ही ऐसा आशीर्वाद सभी पर बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। भक्त और भगवान का रिश्ता एक भाव का होता है और भावना का होता है। जैसी भावना मनुष्य की होती है, जिस भावना से मनुष्य यहाँ आके उनके दरबार में अपनी अर्जी लगाता है, उनके सामने अपनी सारी परिस्थितियों को रखता है, दुखों को रखता है, तो उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से उसके साथ होता है, उनकी दया पूर्ण रूप से उसके साथ होती है और उनके आशीर्वाद से वह सफल होता है। कर आप देख रहे हैं ICN News। अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।